मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में सोमवार को सातवें दीक्षांत समारोह का आयोजन कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसके संबंध में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमसीए, एमबीए, एमएससी एवं 349 महिला छात्र हैं, जिसमें कुल 39 स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा, जिसमें 25 छात्र व 14 छात्राएं हैं। कुलाधिपति स्वर्ण पदक बीटेक के छात्र मोहम्मद अनस को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजीव चाबा व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल शामिल होंगे। इस अवसर पर अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील कुमार श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एसपी सिंह, जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा, हमारे जो छात्र बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, जब भी कभी इंडस्ट्री में जाएंगे, उनके पास कोई कोर्ट केस आएगा, कैसे करना है क्या है, तो कभी भी इस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में और किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह के ट्रेनिंग छात्रों को नहीं दी जाती। हम अपने छात्रों को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और एमबीए फार्मेसी के साथ हम उनको लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा भी एक इंटरेक्शन कराएंगे और उनको लीगल, जैसे आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आज की डेट में हर इंजीनियर्स को जानना है, साइंटिस्ट को जानना है कि आईपीआर का क्या हमारा अधिकार है, क्या क्षेत्र है, कैसे कर सकते हैं, कैसे हम पेटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कल हमारे जो माननीय जो जज महोदय हैं हाई कोर्ट के, वो कल उन्होंने उद्घाटन किया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें हमको जुडिशियरी की तरफ से एक्सपर्ट्स मिलेंगे और हम लोग भी एक्सपर्ट्स इनवाइट करेंगे हम छात्रों को, तो ये एक छात्रों को एक स्किल देने जा रहे हैं। दूसरी, एक डीजीसीए के साथ हमारा एमओयू हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो हमारे, चूंकि ड्रोन पायलट तभी आप बना पाएंगे, या जैसे भी शादी वगैरह में लोग पायलट ड्रोन उड़ाते हैं ना, वो इलीगल है, जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक वो ड्रोन उड़ा नहीं सकते। तो हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, डीजीसीए से एमओयू आ गया है, हम लोग प्रयास करेंगे कल मैम के सामने ही हम लोग एमओयू साइन करके एक्सचेंज कर लेंगे। डीजीसीए के लोग यहाँ आके विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग देंगे, उनका कुछ पैसा है वो और कुछ छात्रों से को लेंगे। विश्वविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा अपने छात्रों को कि पैसा उनको न देना पड़े, जो डीजीसीए का कंपोनेंट है वो या तो हम लोगों को कहीं से और स्पॉन्सर हो जाए। एक दूसरी उपलब्धि हम लोगों को रही है, पहली बार नाबार्ड ने विश्वविद्यालय के साथ सहयोग शुरू किया है, उन्होंने 20,80,000 रुपए का एक प्रोजेक्ट हम लोगों को सैंक्शन किया है, फिश मॉनिटरिंग सिस्टम, किसी आपने लिखा था ना, वो आ गया सैंक्शन लेटर हम लोगों के पास। और ये क्या होता है, आप लोग में जो लोग मछली से संबंधित जानते होंगे, क्या होता है ऑक्सीजन कम होता है जब तालाबों में ना, तो मछलियां मर जाती हैं, लोग कहते हैं कि मछली तैरने लगी, तो हम लोगों को अगर प्रोएक्ट, अच्छा ये जब बादल का मौसम होता है ना, बादल लगा होता है या थंडर स्टार्म होता है, बिजली चमकती है, तब ज़्यादा मरती है। सातवें दीक्षांत समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं, श्री राजीव चाबा जी हैं, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, एमजी मोटर्स इंडिया के हेड हैं वो, ये विश्व की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी है। और इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति मेडल के साथ 39 गोल्ड मेडल हम लोग दे रहे हैं, जिनमें जो कुलाधिपति का जो गोल्ड मेडल है वो हमारे बीटेक के ओवरऑल टॉपर को दिया जाता है, उसमें मोहम्मद असद हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में, वो बीटेक में उन्होंने सभी ब्रांचों में टॉप किया है, उनको हम कुलाधिपति मेडल देंगे। और 14 फीमेल है, 39 में 25 और 14। एक चीज और है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोगों ने एक सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे है, वैसे विश्वविद्यालय की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम लोगों ने टीवी के बच्चों को लिया था, 27 बच्चों को हम लोगों ने गोद लिया था, 27 बच्चों में 13 बच्चे रिकवर हो गए, 3 बच्चे दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। कोशिश की गई, जो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करते हैं, 11 बच्चे हमारे अंडर ट्रीटमेंट हैं,
तो विश्वविद्यालय उनके साथ भी महीने दो महीने में संवाद करता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, डॉक्टर्स को रिफर करना, हमारे डॉक्टर से संपर्क करना, इस पर करता है। ये भी एक हम लोगों के लिए हमारे हमने हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमारे यहाँ वॉच कर रहे हैं। देखिए मेरे कागज में लिखा